नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग में 13 घंटे तक है शुभ मुहूर्त। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और दो महापर्वों का शुभ संयोग हमारे सामने है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के इस मिलन अवसर पर आइए जाने कुछ खास बातें। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के साथ भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। विद्वानों का मत है कि इस बार रक्षाबंधन पर बद्धरा नहीं है, इसीलिए पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा। कई ऐसे संयोग बनेंगे जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाएगा। 11 अगस्त को गुरु मार्गी होकर सीधी चाल चलने से और भी शुभ समय शुरू हो गया। रक्षाबंधन पर लगभग 13 घंटे तक शुभ मुहूर्त रहेगा, जबकि दोपहर 1:43 से 4:20 तक राखी बांधने से विशेष फल मिलेगा। मैंने इस बार 15 अगस्त की सुबह 5:49 से लेकर शाम को 6:01 तक राखी बांध सकेगी। राखी बांधने के लिए 12:58 का समय मिलेगा। शुभ मुहूर्त दोपहर में 3.5 घंटा रहेगा। इस बार 19 साल बाद रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाया जाएगा। चंद्र प्रधान श्रवण नक्षत्र का संयोग बहुत ही खास रहेगा। सुबह से ही सिद्धि योग बनेगा, जिसके चलते पर्व की महत्ता और बढ़ गई। इसी दिन योगी अरविंद जयंती, संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा, साथ ही मदर टेरेसा जयंती भी है। इस बार रक्षाबंधन भद्रा मुक्त रहेगी। भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, इसीलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती, लेकिन इस बार बहनें सूर्य अस्त होने तक किसी भी समय राखी बांध सकती है। रक्षाबंधन के 4 दिन पहले गुरु मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगे। श्रवण नक्षत्र, सौभाग्य योग, भव करण के कारण के साथ में सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा मकर राशि में है। ये सभी शुभ संयोग मिलकर इस बार रक्षाबंधन को खास बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।